शांति द ओनली फ्रेंड आई हैव। तुम हो कौन? तुम नहीं जानती दैट वी आर टुगेदर। पासवर्ड बताओ। दोबारा मत पूछना। DOBARA मत पूछना। बॉलीवुड समय समय पे क्रिटिकली और कमर्शियली अक्लेम मूवीज बनाता आया है। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनके सक्सेस का अंदाजा उसके बिग बजट, स्टार कास्ट, सॉन्ग्स और प्रमोशनल स्ट्रेटेजी से हो जाता है, जबकि कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो कि कम बजट पर बनती हैं लेकिन अपनी स्टोरी, थीम और एक्टर्स की एक्टिंग से धीरे धीरे अपना एक अलग नीश क्रिएट करती हैं। ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट का टाइटल हासिल करती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसे ही सिलेक्टेड स्लीपर हिट्स के बारे में। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? Yes, they asked us this question. Avenged Day, मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट पे बेस्ड एक ऐसी मूवी है जिसने स्टार्ट से लेकर एंड तक फैंस को स्क्रीन के आगे बैठने पर मजबूर किया। Avenged Day में नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर लीड रोल्स में नजर आए थे और इनके अलावा फिल्म में जिमी शेरगिल भी मौजूद थे। इस फिल्म ने अपने बजट से ज्यादा का बिजनेस किया और नीरज ने इसके जरिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। जिनानियों के जब बच्चे नहीं होते थे तो ऋषि मुनियों को बुलवा लेते थे, बाबा औलाद नहीं है, बाबे ने की किता तथास्तु किता, हो गया। आयुष्मान खुराना की डेब्यू मूवी और इसी के साथ शुरू हुआ उनका ऑफ बीट स्क्रिप्ट चूज करने का सिलसिला। विकी डोनर एक बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट पर बनाई गई एक कॉमेडी फिल्म थी जिसे रिलीज के साथ ही क्रिटिक्स एज वेल एज कॉमर्शियल सक्सेस मिली। 15 करोड़ के बजट पर बनी विकी डोनर ने बॉक्स ऑफिस पर 67 करोड़ का बिजनेस किया। विकी डोनर ने 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीते। मैं शांति द ओनली फ्रेंड आई हैव। तुम हो कौन? हमारी आज तेरी। अरे वही साली कुतिया साली मैनेजर, 2% की पंच साली लिपस्टिक लगा के मैनेजर बन गई आरामजादी साली। सुपर हिट्स की बात करें और प्यार का पंचनामा का जिक्र ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्यार का पंचनामा का सब्जेक्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल जरूर था, जैसे जगह जगह पर गर्लफ्रेंड इज अ प्रॉब्लम वाले टॉपिक पे फोकस रहना, लेकिन इससे मूवी की परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं हुआ। प्यार का पंचनामा ने स्लोली और स्टेडिली बॉक्स ऑफिस पर हिट का टाइटल हासिल किया जिससे प्रभावित होकर इसके मेकर्स ने इसका एक सुपरहिट सीक्वल भी बनाया। राहुल को संभालने में जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था, इसके पहले कि मैं दोबारा बन जाऊं। जस्ट गो अवे यार, जस्ट गो अवे। 1990 में आई आशिकी का रीमेक आशिकी 2 ने रिलीज से पहले अपने सॉन्ग्स और म्यूजिक से चर्चा बटोरी और बाद में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया। जब आशिकी 2 रिलीज हुई थी तब उसके लीड एक्टर्स कम फेमस थे, लेकिन इस मूवी की सफलता के बाद इन दोनों के सितारे चमक गए। आशिकी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। वी लिव इन अ सोसाइटी बाबा, किसी से तो अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। कंजूस, हम लोग कंजूस है। सरकार के डायरेक्शन में बनी एक और फिल्म जिसने उम्मीद से ज्यादा का बिजनेस करके तहलका सा मचा दिया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ दीपिका पादुकोण और इरफान खान मौजूद थे जिससे इसके हिट होने की पॉसिबिलिटी ऑलरेडी थी, लेकिन 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने जब 141 करोड़ का बिजनेस किया तो फैंस से लेकर क्रिटिक्स तक ये बात समझ चुके थे कि स्टार पावर से ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छी स्टोरी और स्क्रिप्ट लिखना। पीकू को 4 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ 3 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है साले। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों हर साल तुम्हारी साली एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम ही आती है और बस गायब हो जाती है? राज एंड डीके की जोड़ी ने गो गो गॉन से ये बता दिया था कि उनके पास हॉरर कॉमेडी बनाने की काबिलियत है, लेकिन स्त्री में उन्होंने डायरेक्शन नहीं राइटिंग का काम संभाला। स्त्री की चुड़ैल वाली कहानी इंडियन फैंस को बहुत पसंद आई एंड डिस्पाइट ए सर्टिफिकेट स्त्री एक मेजर क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस बनी। 20 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने करीब 180 करोड़ का बिजनेस किया। स्त्री के लिए इसके डायरेक्टर अमर कौशिक को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अरे भाई साहब, क्या है, क्या ये देखो भाई साहब, ये है डेंगू चिकनगुनिया। अरे यार, पान और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर की एक्टिंग से सजी हिंदी मीडियम की सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आज के वक्त में बॉलीवुड की टॉप ग्रॉसिंग मूवीज में से आती है। जी हाँ, 14 करोड़ के बजट पे बनी हिंदी मीडियम ने 322 करोड़ का बिजनेस करके बड़े बड़े एक्ट्रेस की मूवीज को बौना साबित कर दिया था। एक सिंपल बट इफेक्टिव स्टोरी पर बेस्ड इस मूवी में सपोर्टिंग रोल दिया था दीपक डोबरियाल, नेहा धूपिया और अमृता सिंह ने। हिंदी मीडियम को 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। तेरी मूवी प्रेग्नेंट होती ना फिर देखता मैं। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट होती तो और भी बड़ी प्रॉब्लम होती यार। देखा, पापा नहीं है ना मेरे। बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में बोल सब्जेक्ट्स का दौर रहा है और कमाल की बात तो ये है कि इन सब्जेक्ट्स पे खुल के बातें भी हो रही हैं और सक्सेसफुल मूवीज भी बन रही हैं। इसी लिस्ट में एक और मूवी है बधाई हो, जिसमें आयुष्मान खुराना ने लीड रोल प्ले किया था और उनका साथ दिया था सुरेखा सीकरी, नीना गुप्ता और गजराज राव जैसे सीनियर एक्टर्स ने। 29 करोड़ के बजट में बनी बधाई हो ने बॉक्स ऑफिस पर 221 करोड़ की कमाई की और इस मूवी और इसकी स्टार कास्ट ने खूब तारीफें बटोरी।
बधाई हो को दो नेशनल अवार्ड्स और 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी मिले। This was fantastic. I loved it. आज जरूर पूरा करूंगा। चीजें अधूरी होने की वजह से ही तो पूरी होती है। See you. श्रीराम राघवन की ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म अंधाधुन सीन 1 से आपको अपनी कहानी में बांध लेती है, और जब ये मूवी आप देख के उठते हैं तो आपके मुंह से ये निकलता है कि वाह क्या मूवी बनाई है। इस मूवी में आयुष्मान के साथ थी तबू और राधिका आप्टे, और साथ ही थे मानव विज और अश्विनी कालसेकर। अंधाधुन ने 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और 5 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ 3 नेशनल अवार्ड भी जीते थे। कमीने दोस्त, क्या उखाड़ लेगा हॉस्टल चेंज करके? अच्छे रूम में रह लेगा, अच्छा खाना खा लेगा, लेकिन रात को तेरा बंटी तो तेरी चड्डी में ही सोएगा। रितेश तिवारी दंगल बना के पहले से ही बॉलीवुड के एक हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दे चुके थे, और छिछोरे के रूप में उन्होंने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी। एक एंसेंबल कास्ट से सजी छिछोरे की कहानी को क्रिटिकल और कमर्शियल अक्लेम मिला। 50 करोड़ में बनी छिछोरे ने बॉक्स ऑफिस पर 218 करोड़ की कमाई करी। आपके इनमें से फेवरेट स्लीपर हिट कौन सी है बताएं हमें कमेंट्स में। Your piece was fantastic. I loved it. आज जरूर पूरा करूंगा। कुछ चीजें अधूरी होने की वजह से ही तो पूरी होती है। See you. I'll see you.